चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद देशवासियों में जो जोश भरा वो अभी तक बरकरार है। एक तरफ लोग सोशल मीडिया पर बधाइयां दे रहे हैं, वहीं सार्वजनिक स्थलों पर भी उत्सवों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस बीच देश के तमाम नेताओं ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिए जिससे सुनने वाले चकरा गए। इस मामले में सबसे आगे रहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कह दिया कि भारत के राकेश रोशन जब आकाश में गए थे, ये लाइन सुनते ही लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे और राकेश रोशन एक बॉलीवुड के एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर का नाम है। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है महाकाश से इंडिया को। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ तो और मजेदार वाकया हुआ। जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में उनसे पूछा गया तो वह अपने ही एक सहयोगी से चंद्रयान के बारे में पता करने लग गए। वीडियो देखकर तो लोगों ने यहाँ तक अनुमान लगाया कि शायद उन्हें चंद्रयान क्या है यही नहीं पता था। हालांकि अपने सहयोगी से उन्होंने क्या पूछा ये सही सही अभी तक जानकारी तो नहीं है, लेकिन लोगों के बीच यह वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए नीतीश कुमार का वीडियो। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। अरे चलिए अच्छी बात है, तो ठीक। इसके अलावा यूपी में अक्सर चर्चा में रहने वाले ओपी राजभर ने भी ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। ओपी राजभर से जब चंद्रयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, कल धरती पर उसके लौटने का जो टाइम है, उसके वापस आने के बाद देश में सभी का स्वागत करना चाहिए। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग होनी थी, न कि चांद से उसके वापस आने की कोई बात है। मजेदार बयान यहीं पर नहीं खत्म होते। राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना ने तो और भी मजेदार बात कही। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं, और हमारा देश एक कदम और साइंस में स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। नेताओं के इन बयान के बाद सोशल मीडिया ट्रोलर्स को बड़ा मसाला मिल गया। यहां तक कि इन बयानों को लेकर मजेदार वीडियो और मीम्स भी बन रहे हैं। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 14 दिनों तक एक्टिवेट रहेंगे। हालांकि चांद की सतह के हिसाब से ये दोनों एक ही दिन एक्टिव रहेंगे, लेकिन चांद पर जितनी देर में एक दिन बीतता है, धरती पर तब तक 14 दिन बीत जाते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। इससे पहले 2008 में चंद्रयान 1 भी चांद संबंधी रिसर्च के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने सिर्फ चांद के ऑर्बिट के चक्कर लगाए थे। तब भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया था जिन्होंने चांद संबंधी रिसर्च के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। इसके बाद अगला मिशन था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसके लिए भारत ने साल 2019 में चंद्रयान 2 भेजा था, मगर आखिरी समय में वह क्रैश कर गया। इसके बाद अब चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता पाई है, इससे तमाम भारतीय गदगद हो चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।